हमारे पास हमारे सामने जो मौजूद है मुफ्ती फैयाज साहब हैं, ये यहाँ के माशाल्लाह बहुत बड़े संगठन के एक बड़े अदाकारी भी हैं। तो हम इनसे कुछ सवाल करेंगे कि आप बताइए, मैं शादाब हूँ, मोहम्मद शादाब जावेद मुंबई से, कि मुफ्ती साहब ये जो नागरिकता कानून बिल जो गवर्नमेंट ने पास किए, जिसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर और खुसूसन अभी भोपाल के अंदर एहतजाज हो रहा है, और माशाल्लाह जहाँ पर आपने कुछ स्पीच भी दिया है, तो ये NRC NPR और CAA, इसको जो होम मिनिस्टर है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इसको हम लागू करेंगे, तो अगर वो लागू कर दिए तो उसके बाद आप लोगों का क्या ऑप्शन होगा? देखिए, ये जो NRC है और CAA और NPR है, अगर ये ज़बरदस्ती लागू कर भी देंगे तो इससे हिंदुस्तानी आवाम का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि इन्हीं का नुकसान होगा, क्योंकि इनकी जो सरकार है ये हिंदुस्तानी आवाम से, हिंदुस्तान की जो जनता है उन्होंने इनको कुर्सी पर बिठाया है, इसलिए नुकसान इनका होगा। इसलिए इनका नुकसान होगा कि ये हिंदुस्तान के दस्तूर और आइन के ख़िलाफ़ ये कानून ला रहे हैं, ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। 14 और 15 जो धारा हिंदुस्तान का जो कानून है, जो दस्तूर है आइन, उसके ख़िलाफ़ ये करने की कोशिश कर रहे हैं, और संविधान जो है हिंदुस्तान का उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान का जो संविधान है, जो दस्तूर है, वो तो ख़त्म नहीं होगा, इनकी सरकार ख़त्म हो सकती है इंशाल्लाह, लेकिन हिंदुस्तान का दस्तूर और हिंदुस्तान का आइन और संविधान इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगा। मुफ्ती साहब, एक सवाल आपसे ये भी है कि अभी फ़िलहाल हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है बनारस के मदरसे की, और उसमें ख़ास तौर से बच्चों को जो टारगेट किया गया है, यहाँ तक कि हमने जो देखा है कि उनकी लाशों पर लोग गुजर रहे हैं और पुलिस वाले लाश पर पटक रहे हैं, तो क्या ये पुलिस वाले के लिए कहाँ तक ये सही है ऐसा करना? देखिए, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो चल रही है, इसके अंदर जो 20 मदरसों के बच्चों को बताया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, क्योंकि जिस मोहल्ले का ये वाकया है उस मोहल्ले के उस्ताज हैं, एक शाही मुरादाबाद में पढ़ाते हैं, गालिबन उनका नाम मौलाना मुफ्ती उसामा साहब हैं, उन्होंने ख़ुद इस वाक़े की तहकीक उन्होंने की है, और उन्होंने कहा कि ये झूठ है। उस दिन एहतजाज ज़रूर हुआ था, लेकिन मदरसे के 20 बच्चों का कत्लेआम नहीं हुआ, ये झूठ चलाया जा रहा है, ये अफवाह है, फेक मैसेज है, वीडियो है, इस पर यकीन न करें हिंदुस्तान की आवाम। अच्छा, लेकिन पुलिस का जो यूपी के अंदर जो बर्बरी ये है, जो उन्होंने जिस तरीके से लोगों के और ख़ास करके औरतों और मर्दों को जिस तरीके से रात में जो टारगेट बना रहे हैं, ये पुलिस वालों के लिए और उसके पुलिस के अंदर और पुलिस के ड्रेस पहनकर और इस तरीके का ये काम करना, क्या ये हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का दस्तूर, ये पुलिस वाले को कुछ सबक नहीं देता? देखिए, ये जो पुलिस वाले हैं, अगर ये जुल्म कर रहे हैं हिंदुस्तान के दस्तूर और आईन के ख़िलाफ़, तो ये गलत कर रहे हैं। और ये भी खबर है कि पुलिस के लिबास में और पुलिस के ड्रेस में और भेष में कुछ फ़िरका परस्त ताकतें, फ़िरका परस्त नौजवान काम कर रही है, वो असल में पुलिस नहीं है जी, न वो फ़ौज में है, बल्कि उनको पुलिस का लिबास पहना करके उनको यूपी के अंदर उतारा गया है, ताकि वो जुल्म सितम करें और परेशान करें आवाम को और जनता को। तो ये हिंदुस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ है, और इस जुल्म को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इन लोग साफ साफ तरीके से, ये कॉन्स्टिट्यूशन को समझो एक तरीके से मान ही नहीं रहे, ये समझ रहे हैं कि जो हम चाहेंगे वो होगा, तो क्या आप अमित शाह और मोदी और योगी ये तीनों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जो ये चाहेंगे वो नहीं होगा, बल्कि हमारा यकीन और ईमान है कि जो अल्लाह चाहता है वो होता है, बेशक, ठीक है, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। हम इनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि ऊपर वाले ने आपको हिंदुस्तान की कुर्सी पे बिठाया है, आपको ज़िम्मेदारी दी है, तो हिंदुस्तान की तमाम जनता की ज़िम्मेदारी है आपकी कि सबको एक निगाह से देखें, एक नज़र से देखें, सबके साथ इंसाफ का मामला करें, सबके हुकूक को अदा करें, सबकी आज़ादी, सबको आज़ाद रहने दें, सबको बोलने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी, पहनने ओढ़ने की आज़ादी दें, तो आप चल पाएंगे और आपकी सरकार चल पाएगी, वरना हिंदुस्तान की मिट्टी में ऐसी खासियत है कि जिसने भी यहाँ नफरत करके सियासत करने की कोशिश की है, यहाँ की मिट्टी ने उसको कुर्सी से हटा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, और उसे भगा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। मैं मोहम्मद शादा मुंबई से, मैं आया तो देखा माशाल्लाह बहुत बड़े उलमा और यहाँ के संगठन के जो बड़े थे उनसे बात हुई,
तो उन्होंने अपनी राय पेश की और ये कहा, और ख़ास करके हुकूमत से और गवर्नमेंट से ये बात कही कि देखो आपका ये जो दस्तूर है, ये जो काला कानून, ये चलने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग से बात करने के लिए। खुदा हाफिज़।